दोस्तों वो व्यक्ति था महात्मा गांधी। क्वेश्चन का जवाब होगा महात्मा गांधी। पहले क्लियर करें एक चीज कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और कहां हुई थी, वर्धा नामक स्थान पर, महाराष्ट्र में। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में संस्थापक सदस्य कौन थे? नंबर एक अर्जुन सेठी, यहां अर्जुन लाल सेठी है तो मैं अर्जुन से पहले केसरी सिंह लिखूं, सॉरी, आपके स्थापना 1919 वर्धा में, ये पहली बात। और दूसरी बात आपके विजय सिंह पथिक। चलिए शुरू करते हैं विजय सिंह पथिक से। पथिक गुर्जर जाति के थे, याद रखें ये गुर्जर थे, ठीक है। दो नंबर पे आएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन सेठी, ये अर्जुन लाल सेठी दो नंबर पे। तीन नंबर पे केसरी बारेठ, केसरी सिंह बारेठ, याद रखें। चार नंबर पे हरी भाई किंकर, हरी भाई किंकर। नंबर पांच राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ये सारे के सारे क्या थे? संस्थापक सदस्य है। एक चीज क्लियर कर लेना आप, इस राजस्थान सेवा संघ में वित्तीय सहयोग किसने दिया, पैसा किसने लगाया? जमना लाल बजाज ने। क्या याद करें? जमना लाल बजाज ने पैसा लगाया था। 1919 के बाद 1920 की बात करें तो 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से एक अखबार शुरू किया था, राजस्थान केसरी। इसी साल विजय सिंह पथिक और जमना लाल बजाज के बीच में ठन गई, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। हाँ, इतना याद रखना है कि महात्मा गांधी के कहने से ही इन सब ने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। एक तकड़ी बात बताना चाहूंगा, 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की शाखा बंद हो गई और ये शाखा सीधी अजमेर स्थानांतरित हो गई। याद रखना, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्हीं लोगों ने की है 1920 में। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा महात्मा गांधी।